न्यूज शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं श्रवण यादव। कल यूपी का इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यूपी का जो चुनाव है वो जो है भाजपा का विरोध में चुनाव वहां हुआ है। जनता ने योगी जी के शासन से उब चुके थे और हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के पक्ष में वोट हुआ है और वहां चुनाव जीतेंगे अखिलेश यादव और सरकार बनाएंगे। कल रात को ईवीएम चोरी का भी खबर चल रही है बनारस में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो लगा हुआ है सब, लेकिन वहां चलने वाला नहीं है। कल रात को अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सारे कार्यकर्ता मतलब हर चौक चौराहे से लेकर जहां ईवीएम का कंट्रोल रूम बनाया गया है, सारे जगह लोग समाजवादी के लोग वो तैनात हैं और कहीं जहीं गड़बड़ की सूचना हम लोग के भी मालूम हुआ है टीवी के द्वारा, तो ये सब तो चल रहा है, वो लोग लगा हुआ है करने के लिए गड़बड़, लेकिन वहाँ समाजवादी सिपाही कमान संभाले हुए हैं। जितने भी न्यूज चैनल हैं सभी के लोग बीजेपी को ही सर्वे में विजेता दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से चूक हुई है क्या? नहीं, कुछ बिकाऊ मीडिया जो है, कुछ चैनल है जो बीजेपी के पक्ष में बोल रही है, लेकिन और भी चैनल जो है वो लोग अखिलेश जी के बारे में बोल रहा है। और लोगों का आरोप है कि अब माई समीकरण का जमाना नहीं रहा, पहले जितना माई समीकरण पर आज कर लिए से कर लिए, लेकिन अब सभी लोग तेज हो गए हैं और यादव भी बीजेपी को पूरी तरह से ज्वाइन कर चुके हैं। वो देखिए, समाज के हर तबके के लोग हर दल में रहते हैं, ए नहीं कहना है हमको, लेकिन योगी का विरोध में वहाँ के दलित, वहाँ के मुसलमान, वहाँ का बैकवर्ड, वहाँ के दबे कुचले लोग और आपके ब्राह्मण समाज के भी समाजवादी के साथ हैं, उसका शासन से उठ चुका है लोग, इसलिए जात की बात नहीं है, हर जात के वोट समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी का हर कौम का समर्थन मिला है और वहाँ अखिलेश जी सरकार बनाएंगे। निचली जाति के कुछ कहना है, ब्राह्मण ये जो चंद्रशेखर रावण जी के समर्थकों का कहना है कि अखिलेश जी ब्राह्मण वोट के चक्कर में हम लोग को किनारा कर दिए, इसलिए आज उसका नतीजा हुआ कि एग्जिट पोल में सब हर जगह बीजेपी दिख रही है। वहाँ जो है लड़ाई बीजेपी और समाजवादी में है, डायरेक्ट फाइट है और ये लोग समझ गए हैं कि हम लोग वोट बांटेंगे तो घबराएंगे, इसलिए समाजवादी के साथ लोग दलित पिछड़ा सारे लोग समर्थन किया है वहाँ। इस बार बसपा का वोट में 7% की कटौती हुई है, ये जो 7% वोट कटा है ये किसके साथ गया, बीजेपी के साथ है या एसपी के साथ है? बसपा का वोट कहीं क्षेत्र में वैसा है जहाँ बीएसपी का है कैडर वोट, इस बार जो है 7% वोटिंग जो उसका कम हुआ है पिछले 4-5 विधानसभा चुनाव की अपेक्षा, वो समाजवादी के साथ गया है, वो बीजेपी में नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि साइकिल ही कल दौड़ेगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।